everyone, this is Fancy from initiati.in coming to question number 4, exercise 12.1. Now, in this question we have, इसका ए पार्ट है. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स. अब आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें से उस टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक्स है एंड गिव कोफिशियंट ऑफ एक्स. और फिर आपको कोफिशियंट लिखना है एक्स का. जैसे कि अभी हम न्यूमेरिक जब कर रहे थे कोफिशियंट उसमें था कि नंबर है 3y या 3a या 2x कुछ भी नंबर है. सो जो ये वेरिएबल के साथ वाला है ये कोफिशियंट है राइट. इसमें ये हो गया इसमें ये हो गया. अब इसमें क्या करना है आपको x का कोफिशियंट बताना है. मतलब अगर टर्म है 3yx सो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3y. सो दिस मीन्स इसका कोफिशियंट हो गया 3y. सो सिमिलरली आपको यही सेम चीज इन सब में करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट पार्ट सेज y स्क्वायर x प्लस y. सबसे पहले x किस में है. सो वी कैन सी इस टर्म में x है. सो पहले हमें टर्म मेंशन करनी है दैट इज y स्क्वायर x राइट. नेक्स्ट हमें x का कोफिशियंट लिखना है. सो x का कोफिशियंट क्या होगा x के साथ y स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है. सो x का कोफिशियंट हो गया y स्क्वायर. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में है 13y स्क्वायर माइनस 8yx. अगेन पहले टर्म देखेंगे जिसमें x आ रहा है विच इज दिस वन. सो ये हो गया माइनस 8yx. अगेन x का कोफिशियंट विल बी माइनस 8y. इसमें आपको साइन का भी ध्यान रखना है. अगर पीछे वाला नंबर है उसके साथ माइनस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा. सो द कोफिशियंट ऑफ x इज माइनस 8y. ठीक है. नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में है x प्लस y प्लस 2. अब आपको देखना है x किस में है. ऑब्वियसली जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें x है. सो दिस मीन्स टर्म हो गई x. अब इसका कोफिशियंट यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है विच मीन्स x इंटू 1 इज x. सो दिस मीन्स यहाँ पे 1 हो गया x का कोफिशियंट. नाउ फोर्थ पार्ट 5 प्लस z प्लस जेड एक्स. अगेन विच टर्म कंटेन x इज जेड एक्स. सो टर्म हो गई जेड एक्स एंड x का कोफिशियंट x के साथ z मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दिस मीन्स z इज द कोफिशियंट ऑफ x हियर. सो नाउ दिस वाज टिल पार्ट नंबर 4. नाउ लेट्स कम टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में आपके पास है 1 प्लस x प्लस एक्स वाई. अगेन आपको पहले टर्म देखनी है जिसमें x आ रहा है. सो दिस इज वन टर्म एंड दिस इज द अदर टर्म क्योंकि दोनों में x आ रहा है. सो दिस मीन्स इसमें दो टर्म्स है एक x और एक एक्स वाई राइट. सो जो फर्स्ट वाली टर्म है एक्स उसका कोफिशियंट होगा 1 बिकॉज उसके साथ कुछ भी नहीं है. देन एक्स वाई. अब यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट क्या होगा 1. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट 12xy² प्लस 25. सो ऑब्वियसली इसमें इस टर्म में हमारे पास एक्स है. सो पहले टर्म लिख देते हैं दिस इज 12xy² राइट. नाउ यहाँ पे हमें देखना है x का कोफिशियंट. तो x के साथ 12 भी है y स्क्वायर भी है. सो दिस मीन्स 12y² राइट. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट से 7x प्लस xy² अगेन इस टर्म में भी x है एंड इस टर्म में भी x है. सो फर्स्ट टर्म इज 7x देन वी हैव xy² राइट. सो x के साथ यहाँ पे इसका कोफिशियंट क्या है 7. देन एक्स वाई स्क्वायर में इसका कोफिशियंट क्या है y² फाइन. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट.